आज का ब्रेकफास्ट है जनाब फ्रेंच टोस्ट, बच्चों की फरमाइश पे। और इधर चाय जो है वो उबल रही है, बच्चों के बहुत मज़े की बन रही है। और शेयर करते हैं आज की रूटीन आपके साथ। जनाब तैयार हो गई और आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। और थोड़ा बाहर का मौसम अच्छा था तो सोचा बच्चों को लेके निकलते हैं। आपको मैं साथ साथ रखती हूँ, बताती हूँ आज की फैमिली ग्रॉसरी जो है वो मेरी कितने की हो गई आज। जैसे अंडर पास बना हुआ था, ये पेडेस्ट्रियन के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके मल्टीपल रास्ते हैं, इधर है एक, सामने जा रहा है, मतलब ये ऊपर क्या है, और फिर यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए जाना है, वो सारी जगह बनी हुई है। आप अपनी जहाँ पे भी क्रॉस करके जो सड़क पे जाना है। सेंसबरी भी एक ये स्टोर है। मैंने पहले एक सेंसबरी ट्राई किया था, वो बहुत छोटा सेंसबरी था, तो मेरे जहन में था कि सेंसबरी ठीक नहीं होगा। आज हमारे घर के पास है ये 15 मिनट की वॉक पे सेंसबरी, तो इधर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ है समर आइटम्स पे, तो मैं कुछ बच्चों की चीज़ें देखती हूँ। और इनका देखें क्लॉथिंग का सेक्शन कितना बड़ा है, ये सिर्फ क्लॉथिंग का है और दूसरी तरफ ग्रॉसरी है और होम आइटम्स सब कुछ है। पे इनका फ्रूट्स वेजिटेबल का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, अभी तक मैंने और किसी स्टोर का इतना बड़ा और इतनी वैरायटी नहीं देखी। यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरा कुकिंग सेशन। मैंने आज बनाया था पास्ता और मेरी पास्ता की रेसिपी स्पेशल है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मशरूम पास्ता है, बेसिकली मशरूम डाले, कैप्सिकम है रेड और ग्रीन वाली, और चिकन है थोड़ा सा, और ये टोमेटो चॉप्ड टोमेटोज थे। और मैंने सबसे पहले मशरूम डाले, इनको थोड़ा सा सौते कर लिया और हल्की आँच पे, ऑयल भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला। इसमें इस पास्ता में ना बेसिकली ज़्यादा मशरूम्स ही डलेंगे, मतलब है ये समझे मशरूम पास्ता है। और चिकन के तो 2-3 पीसेज मैंने बोनलेस उनको बॉईल कर लिया था। अच्छा, इसमें ना मैंने ग्रीन प्याज भी लिया था, उसको भी मैंने काट लिया था, और मैंने ये कॉर्न इसमें डाले थे। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कॉर्न नहीं पसंद तो आप मत यूज़ करें, मुझे पसंद है, बच्चों को इतने नहीं पसंद, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच जो है ना वो कॉर्न डाले थे। अच्छा, तो इसमें सॉल्ट डालना है, आपने हसबी ज़रूरत डालें। मैंने थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा डाला था कि इनको को मशरूम में ज़्यादा नमक नहीं पसंद है, मेरे पास पास्ता की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादा, मुझे पता था कि कितना सा ये मिक्सचर बनेगा और पास्ता कितना सा आगे यूज़ होगा, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से जो है ना वो डाल सकते हैं। पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉयल करके तो उसको रखा हुआ था ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए अच्छे से। इसमें थोड़ी सी डाली मैंने काली मिर्च, वो भी मैंने हसबी ज़रूरत डाल लिया, आप अपने जायके के हिसाब से सारे इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं ना वो डालें। तो काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, इसको मैं भी थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगी। अभी इसके अंदर मैंने डालना है पार्सले, अपने हिसाब से आप डालें, मुझे पार्सले का टेस्ट पसंद है तो मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला, इसमें भी डाला है, और बाद में मैंने जब मैंने इसको बेक किया था उस वक्त भी मैंने डाला था। फिर इसके अंदर मैंने मिक्स्ड हर्ब्स थे मेरे पास वो डाले हैं, ये भी हसबी ज़रूरत, मेरी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है चीज़ों की, मैं अपने हिसाब से डाल लेती हूँ। और इसके बाद मैंने ओरिगानो डाला था इसके अंदर, और इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इनको मिक्स कर लें अच्छे से दोबारा। इसके बाद जना बारी आती है टोमेटो पेस्ट की, जो चॉप्ड पोटैटोज का कैन था उसका तकरीबन आधा कैन जो है ना वो मैंने यहाँ पे डाला, थोड़ा सा कैन यहाँ पर डाला है, टोटली मैंने आधा कैन यूज़ किया, थोड़ा सा मैंने जब बेक किए थे उस टाइम ऊपर डाला था। इसको आपने अच्छे से जो है ना मिक्स करके तो बना लेना है, जब इसका ग्रेवी टाइप इस तरह की बन जाएगी इसको थोड़ा सा आपने और पकाना है बस। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद आपके पास जो चिकन है आप चिकन के रेशे करके आप वो सारे इसमें डाल दें। अच्छा, जब ये आपका बन गया ना मशरूम्स के अंदर आपने चिकन डाला था, उसके बाद 5 मिनट मज़ीद पका के इसको उतार लेना, कुछ इस तरह से मैंने उतार लिया जैसे ट्रे में आपको नज़र आ रहा है। फिर मैंने ग्रीन अनियन को डाला फ्राइंग पैन में, और साथ में रेड और ग्रीन बल
पेपर भी डाल दिया मैंने, यहाँ ऑयल नहीं डाला विनीगर में और सोया सॉस में धनिया डाल के स्टर फ्राई करूँगी थोड़ी देर 5 मिनट, और उसके बाद फिर नीचे धनिया उतार लूँगी, विनीगर डालूँगी और इसमें डलेगा सोया सॉस। ये सब चीज़ें भी रख कर जरूरत है, क्वान्टिटी का मुझे नहीं पता मैंने कितनी डाली कितनी नहीं, अब अपने हिसाब से डालें। ले जना मेरा पास्ता रेडी है सैम्पलिंग के लिए, अब चीज़ें इसके ऊपर मैं डालूँगी कोट्स और इसकी लेयर्स बनाऊँगी, वो आप देखिएगा कि कितना मज़े की यमी वाली लुक आती है इसकी। सबसे पहले मशरूम्स का जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था, इससे ज़्यादा मशरूम भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास इतने ही थे तो मैंने फिर इतने ही डाले, इनको मैं ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डालनी है एक अदद चीज़, वो चीज़ है जो गोट मिल्क की चीज़ होती है ना, इसको वीटा चीज़ भी बोला जाता है, वो वाली चीज़ आपने कॉटेज चीज़ भी इसको बोलते हैं, वो वाली चीज़ डालनी है। अभी मैंने देखे कैप्सिकम भी उसके ऊपर सारे स्प्रेड कर दिए जो भी थे। अब बारी है टमाटर की, ये जो मेरे पास चॉप्ड टमाटर्स का एक कैन पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डालना है ऐसे, इससे ये होगा कि थोड़ा सा ना ड्राई नहीं होगा आपका पास्ता, जो टमाटर का पानी होगा उसकी वजह से थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी वाली लुक भी इसकी आ जाएगी, वरना ये फिर ज़्यादा ड्राई सा लगेगा। ये है कॉटेज चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, इसको मैंने बिल्कुल क्रश सा कर लेना है नाइफ़ के साथ ही, और उसके बाद फिर मैंने पास्ता के ऊपर स्प्रेड कर देना है इसको। अभी मैंने ये इस पास्ता के ऊपर मैं इसको फैला रही हूँ, और साथ में मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ भी डाली है और मोज़रेला चीज़ भी डाली है, और साथ में ऊपर थोड़ी सी केचप डाल दी है। और अभी जो है मैं पास्ता को रख दूँगी, ओवन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है हीटअप होने के लिए, उसको 200 का टेम्परेचर मैंने सेट किया है, और इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट बेक करना, लेकिन देखते रहेगा क्योंकि चीज़ है तो हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए। अच्छा, इस सब के साथ साथ ऊपर ये चीज़ें डाल के मैंने ऊपर दोबारा से पार्सली भी डाला था, ऑरिगैनो भी डाला था, और मिक्स हर्ब भी डाले थे, और जैसे मैंने आपको कहा कि चेडर चीज़ भी डाली है, और फिर मैंने मोज़रेला चीज़ भी डाली है ऊपर इसके, तो आपने अपने हिसाब से, मैंने ऊपर थोड़ी सी सोया सॉस भी डाली थी और थोड़ा सा विनीगर भी दोबारा से डाला था, आप अपने हिसाब से इसकी स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बनने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसे थी, और यकीन करें सबने बहुत मज़े से खाया और सबको बहुत अच्छा लगा, ये थी जनाब आज की एक छोटी सी वीडियो, और आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको रूटीन का व्लॉग कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहिए उस पर फोकस रखें और उस पर क्वेश्चंस करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।